वर्ष तीन नक्षत्रों के सूख जाने से जहां किसानों में चिंता कम हुई है, वहीं 4 जुलाई से भारी बारिश के कारण खरीफ सीजन में धान की बुआई और अन्य कृषि कार्यों में तेजी आई और कितनी बसें पूरी हो चुकी है। अंत में दीना पतबंदर विभाग ने खरीफ सीजन की फसलों को जीविका प्रदान करने के लिए 29 अगस्त को जलाशय से पानी छोड़ा, जिससे तालुका के किसानों को राहत मिली है। इस साल 4 जुलाई से 24 जुलाई तक धुआंधार बारिश के कारण कन्नमवार जलाशय 100% के स्तर से अधिक हो गया। तालुका में छोटी झीलें भी स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि वैनगंगा नदी खतरे के स्तर को पार कर गई। खरीफ सीजन के दौरान नदी के तट पर सैकड़ों हेक्टेयर कृषि क्षतिग्रस्त हो गई थी। मानसून के दौरान गोसीखुर्द बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वैनगंगा नदी के किनारे की कृषि पानी में डूब गई थी। गंभीरता से संज्ञान लेने के बाद किसानों के लिए विभाग प्रशासन ने आखिरकार 29 अगस्त को जलाशय से पानी छोड़ा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। यहां सिंचाई विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी महिपाल मेशराम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण किसानों ने पानी छोड़ने की मांग की, ताकि खरीफ सीजन में पानी की कमी से फसल को नुकसान ना हो। कहा कि पानी छोड़ दिया गया है। चामोशी से BCN न्यूज के लिए बबन वडट्टीवार की रिपोर्ट।